हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं प्रशांत तुषार मार्बल, मैं हूं आपका होस्ट तुषार यादव। तो गाइस, आज आप ये हमारे सामने देख रहे होंगे एक वैरायटी ऑफ प्लैंक्स रखा है। तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो इसके पहले मैंने एक या दो वीडियो बना रखे हैं प्लैंक्स पे और आपने उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इसका लिंक आई बटन में डाल दूंगा, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है इस वीडियो पे, तो इस वीडियो को भी आप देखिएगा। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो वुडन प्लैंक्स होती है उसकी वैरायटी क्या होती है, साइज़ क्या होता है, प्राइस क्या होता है, कौन सी अच्छी होती है, कौन सी आपको नहीं लगानी चाहिए, कौन सी कहाँ पर लगानी चाहिए और कौन सी कहाँ पर नहीं लगानी चाहिए। मैं ये कहूँगा ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हर एक चीज़ को आप इसको वॉल, इसको फ्लोर पे, इसको वॉल पे या फिर ऐसा कुछ आप नहीं लगा सकते। एक पर्टिकुलर एक जगह पे जो टाइल लगती है उसके लिए बननी होती है कि हाँ ये वॉल पे लगेगी, ये फ्लोर पे लगेगी। तो पर्टिकुलर सबका एक एक होता है एरिया की कहाँ पर क्या लगनी है, तो वो हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे गाइस। तो हमारे सामने जो तीन साइजेस प्लैंक्स रखे हैं वो नंबर वन ये है, नंबर टू ये है, नंबर थ्री ये है। तो आप देख सकते होंगे सबसे बड़ा साइज़ ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। तो इसका साइज़ बताया मैं आपको, तो इसका साइज़ है 8x24 इंच 24 इंचेस। इसका साइज़ है हमारा 6x36 इंच मतलब कि 36 इंचेस 3 फुट। और इसका जो साइज़ है गाइज हमारा वो है 8x48 इंच मतलब कि 8 इंच x48 इंच मतलब 48 इंचेस। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, ये जस्ट इसकी हाफ है, ये बड़ी वाली प्लैंक की, ये जो ये प्लैंक है जस्ट हाफ होगी। अगर हम अब बात करते हैं पर्टिकुलर एक एक प्लैंक के बारे में, पहले बड़े से शुरू करेंगे कि ये प्लैंक क्या चीज़ होती है, क्या प्राइस पे आती है और कहाँ आपको लगाना चाहिए, फिर इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे वो हम 8x48 की बात करेंगे, 8x48 8x48 जो ये प्लैंक होती है गाइस, ये सबसे बड़ी प्लैंक होती है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। इससे बड़ी प्लैंक नहीं आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी जो बॉडी होती है गाइस वो विट्रीफाइड होती है, ये आप देख सकते हैं, फुल विट्रीफाइड टाइल होती है ये। विट्रीफाइड सबसे अच्छी टाइल होती है। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है टाइल के बारे में, आपने मेरे वीडियोस देखे हैं पहले के, तो आपको बिल्कुल पता होगा विट्रीफाइड टाइल सबसे अच्छी होती है। तो ये विट्रीफाइड टाइल है, वुडन प्लैंक है, साइज इसका 8x48 है। और हम यूसेज की बात करें तो ये प्योरली फ्लोर टाइल है गाइस, बिल्कुल ये फ्लोर टाइल है और वॉल टाइल भी है, लेकिन वॉल टाइल का जो ऑप्शन होता है गाइस वो कम होता है और हम भी आपको प्रेफर नहीं करेंगे कि वॉल टाइल में इसको आप लगाइए, और लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये भारी टाइल होती है गाइस। तो इसको आप फ्लोर टाइल में बेशक लगा सकते हैं, लेकिन जो ये बिकती है ये फ्लोर और वॉल दोनों के अगर बिकती है, क्योंकि वॉल टाइल के लिए भी ये टाइल होती है, लेकिन वॉल टाइल में लगाने के लिए आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कुछ, और मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तब तो आप इसको वॉल पे यूज़ करिए, अदरवाइज़ बिल्कुल यूज़ ना करिए, हम सजेस्ट नहीं करेंगे। अब आपको अगर इसको वॉल पे यूज़ करना है तो क्या करना है, तो मैं बता देता हूँ। इसको आप सीमेंट से नहीं लगाएंगे, एलिवेशन टाइल एडहेसिव आता है। अगर ये आपके फ्रंट एलिवेशन मकान के बाहर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर लग रही है तो एलिवेशन टाइल एडहेसिव आता है, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, वो कोई मैटर नहीं करता है। एलिवेशन टाइल एडहेसिव आता है, सिर्फ और सिर्फ उस एडहेसिव से आप इसको लगाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एडहेसिव से लगाते हैं तो 20 स्क्वायर फीट एरिया जो होता है वो एक बोरी एडहेसिव मोटा मोटा यूज़ होता है, मतलब कोई भी आप 20 किलो की जो एडहेसिव किसी भी ब्रांड का ले लेंगे तो 20 स्क्वायर फीट एरिया में एक बोरी आपकी लग जाएगी, इस एवरेज से आप निकाल लीजिएगा। तो ये जो मैंने दिखाया आपको 8x48, ये आप फ्लोर टाइल में बिल्कुल लगा सकते हैं, कहीं भी लगाइए, शोरूम हो गया, रूम हो गया, आपका घर हो गया, आंगन हो गया, गैलरी हो गई, बालकनी होगी, आप कहीं भी लगा सकते हैं। और अगर वॉल टाइल्स पे लगा रहे हैं तो इसको आप प्योर एडहेसिव से लगाएंगे, उसके बिना किसी से भी नहीं लगाएंगे। अब आ जाते हैं हम सेकेंड, प्राइस की बाद में करेंगे लास्ट में। अब हम आ जाते हैं सेकेंड 6x36, ये 6 इंच है और ये 36 इंच है। ये साइज़ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, उस साइज़ से अच्छा है, लाइट वेट है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, अच्छा साइज़ है। इसकी जो बॉडी गाइस देख सकते हैं, तो इसकी जो बॉडी है वो है रेक्टिफाइड। अब बहुत लोग को ये नया नाम लग रहा होगा कि अब ये रेक्टिफाइड क्या आ गया, अभी तक तो विट्रीफाइड सुना था, सिरामिक सुना था, पोर्सलिन सुना था, अभी रेक्टिफाइड क्या आ गया। तो रेक्टिफाइड यस गाइस होती है टाइल, एक बहुत कॉमन कम लोग जानते हैं, रेक्टिफाइड टाइल होती है जो इसकी जो बॉडी होती है गाइस वो सिरामिक बॉडी, ये होती है सिरामिक बॉडी, आप देख सकते हैं वाइट बॉडी, इसको सिरामिक बॉडी बोलते हैं। सिरामिक बॉडी और विट्रीफाइड बॉडी की बीच का बोल सकते हैं आप, एक मिडिल क्वालिटी बोल सकते हैं आप, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ये भी, बिल्कुल सिरामिक से बहुत अच्छी होती है और विट्रीफाइड जैसी नहीं होती है, तो इसलिए मिडिल का साइज़ भी है और मिडिल की क्वालिटी भी है, अच्छी क्वालिटी होती है। इसको आप फ्लोर और वॉल दोनों जगह लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्लोर में भी यूज़ करिए इसको आप। वुडन प्लैंक डिज़ाइन में अच्छी अच्छी डिज़ाइन आती है, मैं कुछ फोटोज़ में आपको डाल दूंगा आपको, अगर आप अपने ड्राइंग रूम या फिर अपने आप बेडरूम या कहीं भी लगाना चाहते हैं, आंगन गैलरी में, बिल्कुल आप इसको फ्लोर टाइल में लगा सकते हैं।
और वॉल टाइल के पर्पज से भी बिल्कुल अच्छी है, फ्रंट एलिवेशन मकान के बाहर या फिर जैसे मेरे पीछे लगी है कोई एक वॉल हाईलाइट करना चाहते हैं उससे आप इस स्टाइल को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। फिर वही बात कहूँगा, अगर वॉल टाइल पे लगा रहे हैं तो हो सके तो आप एक एलिवेशन एडेसिव ना यूज़ कर वॉल टाइल एडेसिव बिल्कुल यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि एलिवेशन एडेसिव का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होता है, तो जो वॉल टाइल एडेसिव आता है वो थोड़ा कम प्राइस में आता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं, उससे आप स्टाइल को लगा लीजिए, बिल्कुल होल्ड हो जाएगी काफ़ी सालों तक, लॉन्ग लास्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 8x24 जो सबसे छोटा साइज़ है हमारे, सबसे किंग साइज़ है गाइस, सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी की तो 100 में से 90% कस्टमर इस साइज़ को प्रेफर करता है वॉल के लिए, और 10% में ये दोनों आते हैं, और फ्लोर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये साइज़ चलता है और ये साइज़ चलता है, उसका रेशो 50-50 दे सकते हैं, 50% ये भी चलता है 50% ये भी चलता है, लेकिन वॉल के पर्पज़ से 90% टाइल हमारी 8x24 चलती है, ये किंग है हमारी सेगमेंट की। तो 8x24 साइज़ जो बता रहा हूँ गाइस, ये जो साइज़ है ये होती है सिरामिक बॉडी, ये सिरामिक बॉडी पे टाइल होती है, मतलब कि इसको आप फ्लोर पे यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वॉल टाइल के पर्पज़ से ये टाइल होती है, इसको आप वॉल टाइल पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, फ्रंट एलिवेशन में मकान के बाहर हो गया, अगर आपको एक वॉल हाईलाइट करनी है तो उस वॉल पे हो गया, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, आंगन गैलरी किसी भी वॉल पे लगा सकते हैं, इसमें बहुत शेड्स हैं हमारे पास भी, 20-25 प्लस शेड मिल जाएंगे आपको 8x24 के, तो काफ़ी अच्छा साइज़ है, काफ़ी रेगुलर साइज़ है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, जो आपका वॉल पे अच्छे से होल्ड हो सके। इसको लगाने के लिए आपको कोई इशू नहीं है, अगर आपका नया प्लास्टर है बिल्कुल फ्रेश, जिसको बोलते नहीं है झाड़ू लगी होती है, नया प्लास्टर है तो आप इसको आप सीमेंट से लगा दीजिए, अगर थोड़ा सा आपका बजट का इशू नहीं आता है तो एक टाइल बॉन्डर आता है मार्केट में, कहीं भी मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा, आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा, टाइल बॉन्डर बोलिएगा आप, वो एक बॉन्डर ऐसा केमिकल होता है जो कि एक 300 ग्राम का एक पैक होता है, जो कि आपका एक सीमेंट की बोरी में मिलता है, पूरी 50 किलो की एक सीमेंट की बोरी होगी, उसमें एक 300 ग्राम का पैक मिलेगा, उसके मिलने से जो सीमेंट का जो आपका केमिकल होता है, जो सीमेंट का जो मिक्सचर बनता है, वो इतना लम्सी मतलब कि बहुत गीला बहुत अच्छा बन जाता है, कि जब वो स्टाइल के ऊपर उसको लगाएंगे तो वो पूरा कवर कर लेता है आपका टाइल, तो उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत लाजवाब हो जाती है गाइस, हमारा टेस्टेड है। तो अगर आपका बजट इशू नहीं आए, 100 और 120 का पैक आएगा, 120 रुपये का एक पैक आता है, एक सीमेंट की बोरी में लग जाता है, तो उसको लगवा कर इसको आप लगवा सकते हैं अगर आपकी नई वॉल है तो। अगर आपकी पुरानी वॉल है वेयर एंड टेयर, जिस पे पेंटेड भी था, आप उसको पील ऑफ करके या फिर टाकी मार के लगा रहे हैं, तो इस स्टाइल में भी आप एडेसिव केमिकल का, वॉलटाइल केमिकल का, वॉलटाइल एडेसिव का यूज़ कर लीजिएगा, बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी गाइस। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे शेड्स मैं दिखा भी रहा हूँ, और इसके अलावा तो बहुत सारे शेड्स मिल ही जाएंगे आपको मार्केट में भी कहीं पर भी। तो ये तीन साइज से प्लैंक है। अब मैं बात कर लेता हूँ इनके बॉक्स में कितना कितना मटेरियल आता है और क्या प्राइस होता है। तो सबसे पहले इसकी बात करता हूँ, तो ये 8x24 साइज़ है गाइस, इसके एक बॉक्स में 6 पीस की पैकिंग आती है और 8 फुट माल आता है, 8 फिट मटेरियल होता है। और अगर प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स आपको ये 38-40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ये टाइल आपको मिलेगी, 38-40 रुपये पर स्क्वायर फीट ये टाइल मिल जाएगी गाइस आपको। अब हम इस स्टाइल की बात करें तो इस स्टाइल में हमारी 8 पीस की पैकिंग आती है, 8 पीस की पैकिंग और 12 स्क्वायर फीट माल होता है, 12 स्क्वायर फीट माल होता है। अगर हम प्राइस की बात करें तो गाइस ये हमारी जो बैठेगी आपकी 45-50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ये टाइल बैठेगी, 45-50 रुपये स्क्वायर फीट में आपकी ये टाइल बैठ जाएगी, रेक्टिफाइड बॉडी पे, बहुत शानदार क्वालिटी, फ्लोर और वॉल दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बड़ी वाली टाइल की बात करें तो आपकी 8x48 है, ये वाली टाइल गाइस आपकी एक बॉक्स में 16 स्क्वायर फीट माल आता है, 16 स्क्वायर फीट। और अगर हम उसके पीसेस की बात करें तो 6 पीस की पैकिंग आती है, 8 और 16 स्क्वायर फीट माल आता है, 8x48। और इसके हम प्राइस की अगर बात करें गाइस आपको, तो ये 60-65 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इसका प्राइस बैठता है, 38-40 रुपये, 45-50 रुपये और 60-65 रुपये। तो प्राइस का ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि ये आपकी विट्रीफाइड पे आ गई, ये आपकी रेक्टिफाइड पे, ये आपकी सिरामिक बॉडी पे है, तो प्राइस का ह्यूज डिफरेंस है। तो अब आप अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं कि हाँ, हमको अगर वॉल पे लगानी है तो बिल्कुल आप इसको लगाइए, और अगर इसका बजट है तो आप ये भी लगा सकते हैं, थोड़ा इसमें आपको लुक्स और डिज़ाइन अच्छे मिल जाएंगे, फ्लोर पे भी इसको लगा सकते हैं, और अगर आपको अच्छी टाइल चाहिए फ्लोरिंग के लिए तो आप इसको लगा सकते हैं। तो होपफुली आपको प्राइस और जो इसमें बॉक्स में कितनी क्वांटिटी आती है और प्राइस और कहाँ पर आपको क्या लगाना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, साइज आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा वुडन प्लैंक और कोई भी साइज़ की नहीं आती है गाइस, कोई अगर कंपनी बनाती होगी तो मुझे भी नॉलेज में नहीं है, मेरे हिसाब से ये तीन जो साइज़ हैं ये कॉमन साइज़ हैं वुडन प्लैंक में, और मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे।
और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करेगा, मैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर मैं चैनल पर न्यू है तो। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो हम लेके आते रहेंगे। और गाइज हम एक आगे एक वीडियो लेके आने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्योरली आर्ट 24 स्टाइल का। उसमें हमारे पास शोरूम में जितने भी शेड्स अवेलेबल है वो हम आपको शोकेस कर देंगे, हम आपको दिखा देंगे। और उस स्टाइल की क्वांटिटी आपको कहीं पर भी चाहिए हो हमारे नियर बाई एरिया में, 100 200 300 किलोमीटर जो हमारे नियर बाई एरिया है वहाँ पर आपको कितनी भी क्वांटिटी चाहिए हो, छोटी क्वांटिटी डिलीवर नहीं कर पाएंगे वो आप भी जानते हैं, थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए क्योंकि एक बड़ा व्हीकल जाता है। तो बड़ी क्वांटिटी कितनी भी हो, आपको बड़ी से बड़ी क्वांटिटी आप हमको स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, मैं आपको प्राइस कोट कर दूंगा और गारंटी करते हैं आपको बहुत बेस्ट प्राइस मिलेगा और बहुत बेस्ट क्वालिटी मिलेगी हमारे एंड से। तो थैंक यू सो मच गाइस।